शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो भाई, 12 बजने वाले हैं। कृष्ण के जन्म की आरती का समय हो गया है। आइए। के और रिश्ते भी हैं और सबसे अहम रिश्ता निभाया है श्रद्धा तुमने, गुड़िया की सुरक्षा का। श्रद्धा बेटा, आज तुमने फिर से हमारे परिवार पर एक एहसान कर दिया, तनुजा को बचाकर। श्रद्धा बेटा, हमें समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से आपका शुक्रिया करें। Thank you.
अरे ऐसे तो हम नाराज हो जाएंगे आपसे। कहा है ना जिस दिन जल्दी उठिए तब मुझे भी उठा दीजिए, साथ में चाय पियेंगे। चलिए हम नाश्ते का देखते हैं। अरे वाह ताई जी, कितना अच्छा लगता है ना जब हम सब सारे परिवार वाले एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। सुबह की शुरुआत कितनी अच्छी होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और इसीलिए ना दिलीप जी ने हमें पहले ही कह दिया था कि आज सब साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। अरे भाई साहब आइए ना, किस सोच में रह गए, आइए। पापा आप जो भी सोच रहे हो ना आप बाद में आराम से सोचना, अभी आइए हमारे साथ गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए, आइए आइए ना भैया। पापा पापा आइए ना। ताया जी जी, पापा पापा उठिए, ये क्या हो गया ने? अबे उठा उठा उठा। सुमन देखिए डॉक्टर को बोला, डॉक्टर को बोला। दिलीप जी आंखें खोलिए। पापा पापा उठिए ना, उम्मीद है पापा उठिए। इनके हाथ ठंडे पड़ गए। सब आंखें खोलो भैया, उठिए ना। हेलो डॉक्टर मेहता, मैं अभय त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी जी मेरे ताऊ जी बेहोश हो गया, प्लीज आप घर आ सकते हैं एक बार, प्लीज सर जी। थैंक यू। दिलीप जी आंखें खोलिए, दिलीप जी आंखें खोलिए ना। डॉक्टर से बात हो गई है, बस 5 मिनट में आ रहे हैं। भैया उठिए, भाई साहब उठिए ना। क्या हो गया, वो होश में नहीं आ रहे हैं। आप सब लोग पीछे हटिए, मुझे पेशेंट को चेक करने दीजिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए, क्या हुआ इन्हें? आई एम सॉरी, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।